ने अपना नाम पैदा किया, अपनी एग्जिस्टेंस को साबित किया। मेरी मुराद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब्दुल हमीद हमीदी साहब के छोटे भाई बाद में पाकिस्तान के मायाना सबूत जनाब रशीद जूनियर साहब थे। दूसरी बात, 9 सितंबर 1960 को ओलंपिक जो पाकिस्तान ने जीता था उसके लिए ये अरेंज किया गया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि गोजरा वहद शहर है जो दुनिया में हॉकी प्लेयर के हवाले से सर, ये पाकिस्तान में नहीं खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ी बाहर भी खेलते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी एक कुदरत ने कामयाबी दी है हमें गोजरा में, और गोजरा जो पहचाना जाता है वो हॉकी के नाम से पहचाना जाता है। और हमारे तो जो ओलंपिक हैं मैं उनका भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल करने के बाद गोजरे का नाम राष्ट्र रोशन किया। राइस साहब ने बताया सारी तफसील, ये वाकई उन जिन्होंने इस मुल्क के लिए ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद हमीदी जिनकी कप्तानी में हमने जीता, उसके बाद प्रेजिडेंट अयूब खान ने कॉल करके इसको नेशनल गेम डिक्लेयर किया। उस वक्त से आज तक ये कौमी खेल है और ये रिकॉर्ड है कि हमने 3 ओलंपिक जीते हैं, 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीती हैं, बड़ा कुछ, और उसमें गोजरा की पार्टिसिपेशन हर हाल मैच में है। तो कहने का मकसद है कि ये इतना जरखेज़ अल्लाह ने हमें ये जगह दी हुई है, और जैसे आप ये देख लें ये खूबसूरत तीन दिन है, और ये हमें जो मिला हुआ है ये आपके सामने बच्चे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इन्हीं में से कल मंजूर हसन, रशीद हसन पैदा होंगे, इसी में से बड़े बड़े नाम पैदा होंगे। और मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम कम से कम हमारे होते हुए हम उस विक्ट्री स्टैंड पे फिर खड़े हो जाएं जो हमें 1960 में इब्तदा की थी। जबकि दूसरी तरफ इसके मद्दे मुकाम रशीद हसन अकेडमी जिसके हॉकी का फ्यूचर है, ये दोनों आज के मेहमान का दूसरी मुख्तलिफ मकाम जनाब ने उन्होंने खाली करने की गुजारिश आई।